अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, मज़े में होंगे, सर्दी एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं हाजिर हूँ आज फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक पैलेट जो कि है BH कॉस्मेटिक्स की तरफ से, और इसका नाम है डेजर्ट ओएसिस। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं वो जानते हैं कि BH मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड्स है, और इसके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी होते हैं और क्वालिटी में भी अच्छे होते हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और ये पैलेट जो है ना, इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये पैलेट मिली मुझे बिल्कुल फ्री में। अब ये मुझे फ्री में कैसे मिली जबकि इसकी ओरिजिनल प्राइस 14+ डॉलर्स है और सेल प्राइस इसकी $14 है, तो ये मुझे फ्री में कैसे मिली ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद। अभी हम इसको खोलते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये का बॉक्स है और अंदर से भी ये मैग्नेटिक पैलेट है ऐसे, लेकिन प्लास्टिक बॉडी है इसकी, ठीक है। इस तरह से है इसका लुक। इसके अंदर है 14 शेड्स आई शेडोज इस तरह से, ठीक है। ये सारे जो हैं ये आई शेडोज हैं, और ये जो इनके मैट शेड्स भी हैं ना, ये बटरी मैट्स हैं। दे आर रियली रियली वेरी वेरी क्रीमी एंड बटरी शेड्स, और साथ में ये शिमर शेड्स हैं। प्लस ये 1 2 3 4 5 5 हाइलाइटर्स हैं, और एक बहुत बड़ा सा मिरर भी है इसके साथ, ठीक है। तो ओवरऑल काफ़ी प्यारा और क्लासी सा पैलेट है। और आई शेडोज आप देख सकते हैं इस टाइम मेरी आंखों के ऊपर, मैंने इसी से सिंपल सा एक लुक क्रिएट किया हुआ है। और जो इसके स्वाचेस अभी हम देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो इसके ये सारे ट्रांजिशन शेड्स हैं ना, इनकी ब्यूटी ये है कि ये ब्रॉन्ज एज अ ब्रॉन्जर भी यूज़ हो सकते हैं। और मैं आपको ये वाला अब यूज़ करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, BH का ही ब्रश है, कॉन्ट्रोल ब्रश। तो ये देखिए, आई रियली लव दिस। और अगर थोड़ा सा डार्कर करना चाहिए तो दूसरा शेड है, उससे डार्कर हो जाएगा। तो एज अ कॉन्ट्रोल्स भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और हैं ये आई शेडोज। तो ये इनकी, ये देखिए, ये इनकी ब्यूटी है, एडिशनल एडवांटेज हो गया। और इसको यहाँ पे भी अगर कॉन्टूर करना हो, शॉर्ट करनी हो, ये देखिए इस तरह से ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, जो इसके हाइलाइटर्स हैं ना, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो जो इसके ये वाला हाइलाइटर है ना, ये काफ़ी डार्क ब्राउन है, तो मुझे लगता है ये यहाँ लगाने की जगह ना, मैं क्या करती हूँ इसको इस तरह लेके ना, यही जो मेरा ब्रॉन्जर होता है ना, मैं इसी के ऊपर इसको ऐसे लगा लेती हूँ, तो ये मेरा और ग्लोई सा ब्रॉन्जर हो जाता है। इसकी भी बड़ी अच्छी लुक आती है। और हाइलाइटर्स ऑलरेडी मैंने बाकी तो लगाए हुए, लेकिन फिर भी ये जो इसका मेन सबसे बड़ा वाला है, यही सबसे प्यारा भी, रोज़ गोल्ड, इसको मैं यहाँ पे भी आपको लगा के दिखाती हूँ। सही में जो ना, ये इसका जो गोल्डन वाला है, ये आप ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं इसको ऐसे ऊपर लगा रही हूँ, फिर ये जो इसका ये पीची गोल्ड है, इसको मैं नोज के इधर इधर लगा रही हूँ। ये इनकी आप शाइन देखिए कितना ज़बरदस्त, ठीक है। अब इसके बाकी स्वाचेस भी देखते हैं ऐसे करके, और यहाँ से मैं शुरू करूँगी। ये देखिए, ये मेटालिक शेड है ना। ओके, मैं पैलेट रखती हूँ और ऐसे आपको स्वाचेस दिखाती जाती हूँ। ये इसका गोल्डन कलर है, ठीक है। फिर आता है ये, दिस इज रोज गोल्ड कलर। फिर ये पीची सा शिमर शेड, फिर ये शेड आता है, ये कॉपर ब्राउन सा है। इसके बाद ये बड़ा प्यारा जो मैंने आप स्वॉच किया ना, इसको आप गौर से देखें तो ये टिंटेड सा शेड है, ठीक है। इसके अंदर ग्रीन ब्राउन इस तरह से मिक्स टिंज आता है। फिर ये देखिए ब्लू कितना प्यारा है, सारे मेटालिक शेड्स हैं, ग्रेश ब्लू, टर्कोइज ब्लू, टर्कोइज ब्लू,
बहुत प्यारा है। और फिर ये ब्रॉन्ज कलर, ये देखिए कितना पॉपिंग सा है। और ये इनकी लगाने के बाद भी मेरे हाथ हो गया। और लास्ट जो है वो ये इस तरह से बिल्कुल प्यारा सा पीची शेड है। तो ये इनके वो थे। और इस हाथ पर अब मैं लगाऊंगी जिनके मैट शेड्स हैं। ये देखिए पम्पकिन सा कलर है, पम्पकिन ब्राउन सा, ये देखिए। फिर ये दूसरा ब्राउन शेड है जो मैं कह रही थी, अदर ब्राउन्जर भी यूज़ हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है ब्राउन्जिंग के लिए। फिर ये लाइटर ब्राउन्जिंग के लिए, ये डार्क सा डार्क ब्राउन है स्मोकी आइज के लिए। और फिर ये बिल्कुल जो वाइट सा इनका होता है, हर पैलेट में ही होता है ये कलर मस्ट, ये ट्रांजिशन सॉरी क्रीज कलर कंसीलर सेट करने के लिए। तो ये थे सारे मैट शेड्स, ये सारे शिमर शेड्स। और जो हाइलाइटर्स हैं वो मैं यहाँ लगाऊंगी। हाइलाइटर्स भी आप चाहें तो वो एज अ शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये दोनों शेड्स जो है ना, ये मैं अपने ब्रॉन्जर्स को के ऊपर लगाती हूँ। ये जो है ये मैं चीक्स पर हाईलाइटिंग के लिए लगाती हूँ, सबसे बड़ा भी और इनका मेन शेड है। ठीक है, ये इस तरह से, ये इस वक्त स्किन पे तो इतना हाईलाइट नहीं हो रहा लेकिन चीक्स पे बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ये देखें, ये गोल्डन सा, ये ब्राउ बोन के लिए। और ये वाला लास्ट जो है ये मेरी नोज़ के लिए। तो ये फाइव इनके हाईलाइटर शेड हैं, ये शिमर शेड्स हैं, और ये जो है मैट शेड्स हैं। तो ये थी इस पैलेट की पूरी कहानी। अब बात आती है जो मैंने शुरू में बताई थी कि मुझे मिली बिल्कुल फ्री में। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब मैंने ऑर्डर किया था तो मैंने इसके साथ और भी बहुत कुछ ऑर्डर किया था। तो जब मेरे पास ये रिसीव हुई तो अंदर से ये वाला कलर जो है ये डैमेज था, ये ब्रोकन था। तो मैंने की ईमेल बीएच कॉस्मेटिक्स को और मैंने उनको ये पिक्चर भेजी कि मेरी ये पैलेट मुझे डैमेज रिसीव हुई है, मैं इसका क्या करूँ। तो उन्होंने अपोलोजाइज़ किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको पूरी अमाउंट रिफ़ंड कर देंगे और ये आप हमारी तरफ से एज अ गिफ्ट रख लें क्योंकि हम रिसेंड नहीं कर सकते न्यू। तो बस फिर मैंने जो है रबिंग अल्कोहल मेरे पास था वो मैंने इसके ऊपर डाल के इसको फिक्स कर लिया बाद में। सो इस तरह ये पैलेट मिली मुझे बिल्कुल फ्री में, तो मेरी खुशी हो गई डबल। और अभी जो मैंने लुक क्रिएट की हुई है ये भी मैंने इसी पैलेट से की हुई है। तो अब आप मुझे बताएं आपके पास क्या ये पैलेट है, और अगर नहीं है तो आपको कैसी लगी ये पैलेट, क्या आप इसको कभी ख़रीदने वाले हैं? प्राइस तो इसकी काफ़ी अफोर्डेबल है, $14 की सेल में ये मिल जाती है, वो इज़ अ गुड प्राइस फॉर सच पैलेट। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।